यहाँ पे स्टोरी तो उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। पहले तो हम ये देखें कि पिछले क्लास में जब हमने क्लास खत्म किया था तब हम क्या कर रहे थे। सो व्हेन द क्लास गॉट एक्चुअली रैप्ड अप, तो वो टाइम पे हम कहाँ पे थे। सो जब आपका क्लास खत्म हुआ तब हमने देख लिया था कि हमारा हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। वी ऑल्सो नो दैट आपके जो हिस्टोन प्रोटीन्स आपके यहाँ पे होते हैं ये बेसिकली इसमें कौन से टाइप के अमीनो एसिड आपको मिल जाएंगे। सो आपका आंसर लाइक यू नो दैट अर्जिनिन एंड लाइसिन आर द टू टाइप ऑफ अमीनो एसिड व्हिच आई गेट टू सी इन द हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। इसके वजह से प्रोटीन्स आपके बन जाते हैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए आपका होता है नेगेटिवली चार्ज। अब कोई मुझे बताओ कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? वैसे बता दो म्यूट करके। वैसे सर शुगर फॉस्फेट की वजह से, फॉस्फेट आयन इज द मेन रीजन ओवर देयर व्हिच आल्सो ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपका डीएनए आपका यहां पे नेगेटिवली चार्ज होता है। सो डीएनए आपका अच्छे से रैप करता है आपके हिस्टोन प्रोटीन के साथ बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन हैपनिंग बिटवीन देम। तो ये चीज आपको होती है आपको वहां पे मिल जाएगी। हां जी रानी गुड इवनिंग। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। अब होता क्या है कि आपका एक जो ऑक्टामर होता है यू हैव दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर, यू हैव दिस टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इन द ऑक्टामर। आपके H2A, H2B, H3 एंड H4 आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये जो आपका ऑक्टामर आपको यहाँ पे मिल रहा है, याद रखना इसके आसपास डीएनए कॉइल किया जाता है एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑफ अ लेंथ ऑफ अराउंड 200 बेस पेयर। इतने बेस पेयर का डीएनए यहाँ पे कॉइल किया जाएगा और इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोसोम। तो इसको ही हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ दिस इज ऑनली विच इज बीन कॉल्ड एज योर is only which is called as your nucleosome. इसको हम यहाँ पे nucleosome बोलते हैं। ठीक है? Good evening sir. Good evening Mahesh, good evening. तो ये चीज़ आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। So along with this histone proteins, you also have H1 protein भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। H1 histone जो octamer का part नहीं है, which is not a part of octamer, right? अब यहाँ पे हमने एक structure बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके ऐसे nucleosome आपके लगे हुए आपको मिल जाते हैं। You have such nucleosome और बीच में जो आपको यहाँ पे DNA, that DNA is going to be around linker DNA. जो DNA आपको बीच में मिल रहा है, that is my linker DNA. अब ये जो आपको structure यहाँ पे दिख रहा है ना, the structure which you are finding over here, जहाँ पे again you will have one nucleosome, then again you will have one more nucleosome, right? ये जो structure आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं beads on string वाला arrangement. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a beads on string. असाइनमेंट किया होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, अब आपका यहाँ पे जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस होगा। याद रखना आपका जो क्रोमैटिन होता है, सो आपका क्रोमैटिन जो है, सो यू हैव अ टर्म क्रोमैटिन और ये जो आपका क्रोमैटिन होगा इसको हम और कंडेंस करेंगे। इसको कंडेंस करके हम बनाएंगे हमारा यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर। इसको कंडेंस करके हम बनाएंगे हमारा यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर। सो वी विल मेक क्रोमैटिन फाइबर फ्रॉम द क्रोमैटिन और ये जो क्रोमैटिन फाइबर मेरा जो यहाँ पे होगा इसको मैं और कंडेंस करके अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम बना सकता हूँ। आई कैन मेक इट मोर कंडेंस एंड उसको मैं क्रोमोसोम बना सकता हूँ, राइट। अब याद रखना आप ये जो कंडेंसेशन कर रहे हो डीएनए का, आपके पास क्रोमैटिन था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका डीएनए एक धागे की तरह है और धागे के ऊपर आप रैप कर रहे हो, लाइक उसको आप रैप कर रहे हो आपके न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर। तो क्रोमैटिन आपको वहां पे आपको दिख रहा है, क्रोमैटिन को आप बनाओगे यहाँ पे आपका क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन से बनेगा आपके यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर, राइट। और वो क्रोमैटिन फाइबर फिर आपका और कंडेंस होगा और आपको क्रोमोसोम बना के देगा। ये जनरली आपका तब होता है, ये आपको होते हुए तब मिलेगा जब सेल डिसाइड करता है कि उसे डिवाइड करना है। जब सेल कहता है ना कि मुझे डिवाइड करना है और एक और सेल बनाना है, वो टाइम पे आपका क्रोमैटिन विल कन्वर्ट इनटू योर क्रोमैटिन फाइबर एंड देन इनटू योर क्रोमोसोम। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक और बात याद रखना कि आपका जो कंडेंसेशन यहाँ पे हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज यहाँ पे आपका कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब आप वो जो धागा था उसे आप साथ में ला रहे हो और एक स्ट्रक्चर बना रहे हो उसे लपेट के न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यू आर फाइंडिंग द कंडेंसेशन इज हैपनिंग, कंडेंसेशन आपका यहाँ पे हो रहा है। तो जब आप ये कंडेंसेशन कर रहे होते हो तो आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होती है। जब आप क्रोमैटिन से क्रोमैटिन फाइबर में आप कन्वर्ट कर रहे होते हो तो वो टाइम पे आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होती है। आपके पास हिस्टोन प्रोटीन तो थे ही थे, वो तो अपना काम कर ही रहते हैं,
but you also say you need some more help. You need a help of non-histone chromosomal protein. You need a help of non-histone chromosomal protein. क्या रखना, कई सारे आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और वो आपकी मदद करेंगे क्रोमैटिन को क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए. तो ये बात आपको याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो कि आपका हिस्टोन प्रोटीन तो अपना काम कर रहे होते हैं, बट एडिशनल आपको यहाँ पे हेल्प लगती है किसकी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की. तो आपका यहाँ पे क्रोमैटिन में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद आपका और कंडेंस होकर आपका यहाँ पे क्रोमोसोम बनाएगा. सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. एक बड़ी एक एडिशनल चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. अब ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो वी डोंट हैव टू गो इनटू दिस. यू नो कि आपके क्या होता है अमाइनो एसिड के अंदर, यू हैव अ लाइसिन एंड अर्जिनिन, और ये सब चीजें मैंने आपको स्लाइड के साथ भी शेयर किया था जब नोट्स के अंदर आपको मिला होगा ये. सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस, या फिर आपने ये देखा होगा या फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, बिकॉज दोनों सेम है. ये एनसीईआरटी से पिकअप करा हुआ है. सो दीज आर द ऑल द थिंग्स व्हिच आई मेंशन इन एनसीईआरटी. सो जो भी हमने वहां पे देखा है वो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा, राइट. सो न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड एज माय क्रोमैटिन, ठीक है. And thread-like stained bodies seen in the nucleus. So आपको chromatin, आपको जो मैंने आपको आगे दिखाया था वो आपको यहाँ पे दिख जाता है. Now, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ये भी NCERT की statement से हम देख लेते हैं. The beads on string structure is packed to form chromatin fiber. तो आपका जो chromatin है is packed to form the chromatin fiber that is further coiled and condensed at metaphase of cell division to form chromosome. So chromatin से chromatin fiber बनाएंगे और उसको आप फिर और condense करके आप chromosome बना सकते हो. अब याद रखना, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन, जब आप क्रोमैटिन को पैक कर रहे हो एट अ हायर लेवल, जब आप क्रोमैटिन को और कंडेंस कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन की यहाँ पे जरूरत होती है. दिस इज एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. सो ये बात समझ जाओ, आपका जो क्रोमैटिन था उसको जब हम और कंडेंस करा रहे थे हाई लेवल के ऊपर, तो इनकी मदद के बगैर काम वहां पे नहीं होगा. यू नीड देयर हेल्प, राइट. In typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed. अब देखो होता क्या है, आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे. आप अगर डीएनए को ऑब्जर्व करते हो ना कभी, अगर आप क्रोमैटिन को ऑब्जर्व करते हो तो क्रोमैटिन आपको क्या मिलेगा, एक तो आपका होगा लूजली पैक्ड. एक तो क्रोमैटिन आपका होता है यहाँ पे, लेट्स से वो आपका लूजली पैक्ड है, राइट. एक क्रोमैटिन होता है जो बहुत कंडेंस होता है, मतलब एक जगह पे ज्यादा कंडेंसेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, लाइक वो बहुत डीएनए आपके यहाँ पे कंडेंस है. या मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, एक ही पिक्चर में बता सकता हूँ कि समझो आपका ये डीएनए है, कुछ जगह पे वो लूजली पैक्ड है और कुछ जगह पे वो यहाँ पे कंडेंस्ड है. तो जहां पे ये मैं थोड़ा डार्क के लिए बना रहा हूँ, दैट इज अ कंडेंस्ड एरिया, और जहां पे ऐसे बना रहा हूँ दैट्स माय लूज एरिया. तो याद रखना, डीएनए कुछ जगह पे काफी डेंसली पैक होगा और कहीं पे वो लूजली पैक होगा. तो इसको हम पहले हटा देते हैं यहाँ पे, डिमार्केशन को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजिंग लगेगा नहीं तो आपको यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है, अब जहां पे मेरा डीएनए के अंदर यू हैव अ डेंस पैकिंग, सो दिस इज माय डेंसली पैक, this is my densely packed DNA. अब जो मेरा DNA densely packed होता है ना, उसका यहाँ पे नाम होता है, उसको हम यहाँ बोलते हैं as a heterochromatin. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a heterochromatin. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a heterochromatin. अगर आप इसके ऊपर staining करोगे, अगर आप इसकी staining करते हो तो they are, इनके staining भी dark color की होती है, so they are stain with a dark color. So dark color की staining आपको यहाँ मिलेगी. So dark color की आपको यहाँ पे staining होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी. So when you do the staining of this area, तो dark color की staining आपको वहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिलती है. और densely packed area को हम बोलते हैं यहाँ पे heterochromatin. अब एक और बात याद रखना कि DNA में जो area होगा जो काफी densely packed होगा ना, जो इसका गुच्छा काफी thick होगा, that area is not very active in terms of transcription. इसके अंदर से आपको ट्रांसक्रिप्शन होते हुए ज्यादा देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. सो डेंसली पैक जो मेरा यहाँ पे एरिया होता है, दैट एरिया इज गोइंग टू बी लेस एक्टिव इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. इट्स गोइंग टू बी लाइक आई वुड से इनएक्टिव, इज गोइंग टू बी इनएक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन. सो यहां से ट्रांसक्रिप्शन आपको होते हुए कम ही मिलता है. वैसे बुक के लिए बिल्कुल इनएक्टिव होता है, लेकिन वो हम बोलेंगे कम ही मिलता है, राइट. सो यू विल हैव दिस एरिया इज गोइंग टू बी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अब उसी तरीके से कुछ आपका ऐसा एरिया है जो आपका लूजली अरेंज है, डेंसली पैक नहीं, इट्स बीन लूजली पैक. तो जो लूजली पैक्ड आपका जो डीएनए यहाँ पे होगा, जो लूजली पैक्ड डीएनए अब आपका यहाँ पे होगा, द लूजली पैक्ड डीएनए यू हैव
अब लूजली पैक्ड डीएनए को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डीएनए को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूक्रोमैटिन, ये डीएनए को हम बोलेंगे एज अ यूक्रोमैटिन। अब यूक्रोमैटिन के बारे में आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, देयर इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, कि ये आपका लाइटली स्टेन होगा, तो इसका लाइट कलर का आपको यहाँ पे अगर इसके अंदर अगर आप स्टेन करते हो, कलर डालते हो इसके ऊपर, सो इट विल हैव अ लाइट कलर स्टेन, सो इट विल हैव अ लाइट कलर से ये स्टेन हो जाता है, लाइट कलर से आपको ये स्टेन होते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, या लाइट कलर से इसकी स्टेनिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और याद रखना जो लूजली पैक्ड मेरा यहाँ पे एरिया होगा दैट इज गोइंग टू बी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ये आपको होगा यहाँ पे एक्टिव इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सो ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक्टिव होगा, तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन होते हुए आपको हमेशा मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है यू हैव समथिंग लाइक माय हेटरोक्रोमैटिन, यू हैव अ यूक्रोमैटिन, हेटरोक्रोमैटिन इज मोर डेंसली पैक एरिया ऑफ डीएनए और यूक्रोमैटिन इज लेस डेंसली पैक एरिया ऑफ द डीएनए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इनमें से किसके अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन होते हुए आपको इजिली मिल जाएगा, देन आप आंखें बंद करके आंसर दोगे अपना यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी यूक्रोमैटिन, इस एरिया जहां पर आपको ट्रांसक्रिप्शन होते हुए आपको इजिली वहां पर मिल जाता है, राइट। तो यही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है, देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड, कुछ एरिया जो होते हैं वो आपके लूजली पैक होते हैं, एंड स्टेन्स लाइट आर रेफर टू एज अ यूक्रोमैटिन, द क्रोमैटिन दैट आर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क आर कॉल्ड एज माय हेटरोक्रोमैटिन। और याद रखना यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन वेयर एज हेटरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव, जो मैंने आपको बोला था याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट निकाल के डाल दिया तो आपको मालूम होना चाहिए वो टाइम पे कि कौन था एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन के लिए और कौन आपका एक्टिव नहीं था, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बताओ क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? अभी आप लोग पुराने हो गए हो ना थोड़े, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बोल लोगे नहीं आ रहा तो ठीक है ना, वहां एक्सपेक्ट सामने से बोल देगा, सामने से दीपिका बोल देगी क्या सर बताओ वापस, राइट, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू टेल मी फ्रॉम फ्रंट की बता देना सर वापस से, ठीक है। सो अब एक एक को पकड़ूंगा नहीं मैं, या पकड़ना पड़ेगा मुझे वो भी बता दो। नो सर, यस, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। आई होप सारे लड़कों को भी समझ आ रहा है, शिवा प्लस टीम, राइट सर, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो चलो, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन, अब ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन तो चलो हम बाद में देखेंगे यहाँ पे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये फटाफट हम यहाँ पे देखते हैं। मैसेज में रिपीट करने बोल रहा है, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, किसी ने भी मैसेज रिपीट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, अरे हाँ ऐसे बोल दिया करो, बोल दिया करो, ओ अनम्यूट करके बोलो, अरे क्लास वाला माहौल बनाओ, अनम्यूट करके बोलो कि सर समझ नहीं आ रहा, सर मैं जा रहा हूँ बाहर, सर दिल नहीं लग रहा, अरे बोलो, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है ना अक्षय, इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात है, आपका डीएनए जो होता है ना वो कुछ जगह पे डेंसली पैक्ड होता है, काफी उसकी कॉइलिंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है, काफी डेंसली पैक होता है, और कुछ जगह में इतना डेंसली पैक नहीं होता, तो जहां पे वो डेंसली पैक होता है ना आपका डीएनए आपका, उसको हम बोलते हैं वहां पे हेटरोक्रोमैटिन, उस एरिया को हम बोलेंगे वहां पे हेटरोक्रोमैटिन, ठीक है। और जो एरिया होता है आपके डीएनए का जो काफी लूज होता है, उसमें उसमें डेंस पैकिंग आपको वहां पे नहीं मिल रही, राइट, जहां पे आपको डेंस पैकिंग आपको वहां पे नहीं मिल रही, उस एरिया को हम बोलते हैं वहां पे एज ए यूक्रोमैटिन। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि हेटरोक्रोमैटिन जो आपके यहाँ पे होता है इसको आप डार्क कलर से इसकी स्टेनिंग हो जाती है, मतलब इसको जब आप स्टेन करते हो तो डार्क कलर का वो दिखता है, माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसे देखोगे कलर डार्क है, इट विल बी डार्क इन कलर, राइट। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो हेटरोक्रोमैटिन आपका यहाँ पता है जो डेंसली पैक्ड है, इसके अंदर आपका ट्रांसक्रिप्शन होते हुए नहीं मिलता, मतलब इसमें से आपको एमआरएनए बनते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो आपका जो लूजली पैक्ड एरिया आपका यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे यूक्रोमैटिन, ये लाइट कलर से भी स्टेन हो जाता है, मतलब अगर मैं इसके ऊपर कोई कलर डालूंगा ना और अगर उसे मैं ऑब्जर्व करूंगा माइक्रोस्कोप के नीचे, देन वो लाइट कलर का मुझे उसका बैंड मुझे वहां पे दिख जाएगा, राइट। और ये एक एरिया जो होता है ना लूजली पैक्ड वाला, मतलब जो यूक्रोमैटिन जो आपका यहाँ पे होता है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होते हुए आपको मिलेगा, सो ओवर देयर द ट्रांसक्रिप्शन यू विल फाइंड दैट हैपनिंग ऑल द टाइम, तो वहां पे आपका mRNA सिंथेसिस आपका पे होता रहता है। अगर अक्षय अगर आपने बोला पार्ट मिस किया था, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है ट्रांसलेशन, देन अभी भी बस इतना रखना कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन है जो होता है आपका यूक्रोमैटिन के अंदर और हेटरोक्रोमैटिन के अंदर आपका वो नहीं होता, बट आई थिंक यू वर देयर इन द क्लास, ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये बात अभी के लिए आप यहां पे याद रखो, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं,
दिस व्हाट वी हैव डन, क्वेश्चन हम देखते हैं बाद में। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, कि ये तीन मेरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मुझे मिलते हैं मेरे एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। क्या होता है उसके अंदर, एक पेंटो शुगर पे लगा होता है नाइट्रोजन बेस, और कौन से कार्बन पे लगा मिलेगा मुझे ये नाइट्रोजन बेस, बहुत सही, एंड इट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देन मेरा फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा मिलेगा मुझे यहाँ पे, मिलेगा आरएनए के अंदर, याद रखना, एंड थायमिन कभी भी आपको आरएनए में मिलेगा, इट इज ऑल्सो इन द डीएनए। सो दिस इज योर शुगर मॉलिक्यूल, एक बार फिर यहाँ पे बना कर रखा हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे वो जुड़ रहा है। तो याद रखना, तो जब आप दो न्यूक्लियोटाइड को आप जोड़ते हो, इज द बॉन्ड इज ऑलवेज गेटिंग फॉर्म बिटवीन कौन से कार्बन के बीच बनता है यहाँ पे आपका बॉन्ड, कौन बोला रहे? फाइव एंड फोर बोला कोई नहीं, कोई तो बोला फाइव एंड थ्री एंड फाइव, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी थ्री एंड फाइव। सो थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में आप यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका बॉन्डिंग होते होते यू कैन हैव दिस लॉन्ग पॉलीमर विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर, ठीक है। So, याद रखना, जब भी आप एक डीएनए को देखते हो तो उसका एक एंड पे यू हैव अ 5 डैश रीजन और एक एंड पे आपका यहाँ पे होगा 3 डैश रीजन। तो ये बात भी आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। एंड द बैकबोन ऑफ डीएनए इज गोइंग टू बी शुगर एंड फॉस्फेट, दैट इज गोइंग टू बी बैकबोन ऑफ डीएनए। अब आरएनए और डीएनए के अंदर आपका सेकंड कार्बन पे कहाँ पे ओएच आपको नहीं मिलेगा, डीएनए के अंदर आपको ओएच नहीं मिलेगा। तो डीएनए में याद रखना, यू विल ओनली हैव प्रेजेंस ऑफ द एच मॉलिक्यूल, सो ओ यहाँ पे आपका एब्सेंट होता है, और इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे डी ऑक्सी राइबोस। तो इसलिए हम इसको इवन यहाँ पे बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था, इट इज कॉल्ड माय डी ऑक्सी राइबोस, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड आपका जो आर एच, आपका जो आर एन ए यहाँ पे होता है, उसके अंदर यू विल हैव सेकंड कार्बन पे आपका यहाँ पे होगा ओ एच, राइट, और ये ओ एच इज रिएक्टिव, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ओ एच बना दिया हमने, दादागर भी रिएक्टिव, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। बाकी ये जेम्स वॉटसन की कहानी हम जानते हैं, हमें ये सब नहीं पढ़ना क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो। अच्छा, ये दो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, नाइट्रोजन बेस के जो बॉन्ड होगा कितना, कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो दो नाइट्रोजन बेस पेयर है, इन दोनों के जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, बहुत बढ़िया। सो ये भी आपको याद रखना है, बहुत सही, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। और याद रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एंटी पैरेलल, आपके दोनों स्ट्रैंड्स आपके एंटी पैरेलल आप यहाँ पे रन करेंगे, राइट। सो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, तो अनम्यूटेड बताओ जोर से, क्या होगा इसका आंसर, ऐसे नहीं समझ आता मुझे, ए बी सी डी बोलो, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सो डीएनए स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी एंटी पैरेलल, राइट, सो इट्स गोइंग टू बी 5 डैश 3 डैश हमने यहां पे कर दिया। राइट, एंड गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री आप समझते हैं यहां पे, कि यहां पे अगर आपको ग्वानिन होगा तो सामने क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइटोसिन, साइटोसिन। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा, कि आपके दो स्टैंड्स और कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जिस स्टैंड पे आपका नाइट्रोजन बेस है उसको, उसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपका दूसरा नाइट्रोजन बेस उसके सामने आपको मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं बेटा, कि हम कहते हैं कि अगर वहाँ पे आपके सामने एडेनाइन है तो सामने यू विल ऑलवेज हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ थायमिन, दैट इज व्हाई वी से जो सामने वो स्टैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। तो इसलिए अगर आपके पास एक भी डीएनए मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, अगर आपके पास एक भी स्टैंड अगर आपके पास है, तो आप दूसरा स्टैंड खुद से बना सकते हो। क्या आप ये सब कर सकते हो घर पे? यस सर, यस सर, यस सर। घर पे डीएनए स्टैंड कहाँ से? नो सर, स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर सकते हैं, उतना कर सकते हो वो तो मैं भी, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पता नहीं आपस कोई कर भी ले डीएनए स्टैंड को जोड़ के। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव पैकेजिंग भी हमने कर लिया यहाँ पे, वक्त जाया नहीं करना चाहते इसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, हम सब यहाँ पे जानते हैं। ये सारी पिक्चर्स इसलिए ला के रखिए ताकि आप रात को सोने के पहले ये देख के आप सो जाओ, इट्स लाइक अ रिवीजन के लिए, राइट। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दोस पिक्चर्स ओवर, यू कैन सी व्हाट इज ऑक्टामर, यू कैन सी व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, क्या होता है ये, राइट, याद नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रही, तो यही देख लेना, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू।
Okay, so that's why we have kept all pictures over here. You have a linked DNA, you have H1 protein. So this is something you have to remember. Sir? Right? हाँ बेटा बोलो. सर जो linked DNA होगा, उनमें भी तो कोई space होगी ना? तो जो उनमें space होगी, उसमें भी तो कोई base pairs होंगे ना? तो काउंट करती है, उसको तो काउंट करती है हम. जब मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं आपको बता रहा हूँ that you have 6.6 × 10⁹, तो वो उसमें भी जो है वो भी काउंट किए जाते हैं. तनप्रीत. तो वो भी सर स्पेसिफिक होती है कि इतने बेस पेयर्स के बाद अगला कॉइल होगा. हाँ, सो रफली उसका नंबर थोड़ा वेरी करता है. सो अराउंड 70 से लेकर 90 इतना उसमें डिस्टेंस रहता है एक लिंकर के अंदर. सो इट विल वेरी बट वो ज्यादा डिफरेंस वहां पे क्रिएट नहीं करता. ओके सर. डीएनए के भी एक्चुअली टाइप्स होते हैं, लेकिन वो आप समझते नहीं हो, इस लेवल पे आप उसे सीखते हो. बट डीएनए के भी तीन टाइप्स होते हैं. यू हैव अ जेड डीएनए, बी डीएनए एंड ए डीएनए. सो यू हैव अ जेड डीएनए, यू हैव अ बी डीएनए एंड यू हैव अ ए डीएनए. But we don't get into those things, fortunately, right? So, okay. Okay. Now what will happen? You can see over here. यहाँ पे आपका DNA condense हो रहा है basically. You can see DNA आपके यहाँ पे condense हो रहा है, and then ultimately ये condense करके आपके यहाँ पे chromatin बनाता है, फिर वो बनाता है आपका chromosome. So ये चीज़ आपके यहाँ पे add रखनी है. Something you have already done. So ये हम यहाँ पे देख चुके हैं. याद रखना, जब additional level पे आपको chromatin को chromatin fiber में condense करना होगा, देन आपके नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे. दे विल बी इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. सो दैट समथिंग शुड बी क्लियर. ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा अगला स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. एंड द स्टोरी इज गोइंग टू बी द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. अब याद रखना, अभी तक क्या हुआ था, दैट पीपल वर नॉट एबल टू आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल की वो है क्या, और उसे आइसोलेट अभी तक वो लोग नहीं कर पाए थे. लेकिन बाय द एंड ऑफ 1926 एक इतना आइडिया तो पता चल गया था कि जो कुछ भी है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर है. सो ये आपको कैसे पता चलना था, बाय द वर्क डन बाय ग्रेगर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन. तो इन लोग के डिस्कवरीज की वजह से एक सर्टन आइडिया तो लग गया था दैट एवरीथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर इज देयर इन द न्यूक्लियस. सो दे न्यू दैट न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैव नैरोड डाउन नैरोड द सर्च टू द क्रोमोसोम्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट सेल्स. तो इतना पता चल गया कि जो कुछ भी आपके न्यूक्लियस के अंदर है, क्रोमोसोम भी आपके न्यूक्लियस के अंदर ही है, बट दे आर नॉट एबल टू आइसोलेट द डीएनए. अभी तक आइसोलेट वो नहीं कर पाए थे जेनेटिक मटेरियल को. ये बात भी आप समझो, दे आर नॉट एबल टू आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल. तो यहाँ से आपको समझना है कि यहाँ पे दो तीन एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनको आपको यहाँ पे देखना और उनको आपको यहाँ पे समझना है. सो लेट्स ट्राई टू सी दोस थिंग्स. तो इन्होंने जो काम किया, तो उन्होंने अपना काम कर दिया. इन सबके बारे में हम लोग जानते हो, बट अभी भी हमने आइसोलेट नहीं किया डीएनए को, राइट? सो द फर्स्ट स्टोरी इज माई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाली स्टोरी. अब ये स्टोरी आपकी चालू होती है इन द ईयर 1928. काफी पुरानी बात है ये. सो 1928 में की ये स्टोरी है, और इस स्टोरी के जो मेन आपके साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ. सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ आपके यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, और उनके ऊपर ये बेस्ड ये कहानी है. सो उन्होंने यहाँ पे कुछ काम किया था, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था, तो उसके ऊपर बेस्ड आपकी स्टोरी है. सो लेट्स सी व्हाट वाज दैट स्टोरी ओवर हियर, राइट? सो आपके जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ आपके यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे इन द ईयर ऑफ 1928, इन्होंने क्या किया, ही एक्चुअली वॉज स्टडिंग स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया. एक आपका बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है आपका स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, उसको वहां पर स्टडी कर रहे थे. ही वॉज स्टडिंग देम. तो उसके अंदर आपको मिलते हैं दो स्ट्रेन्स. याद रखना, ये जो बैक्टीरिया आपका स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है, इसके आपको दो स्ट्रेन्स मिलते हैं. एक होता है आपका रफ स्ट्रेन. रफ स्ट्रेन मतलब जो इतना डेडली नहीं होता, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन वायरलेंट. नॉन वायरलेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि वो डेडली नहीं है, या वो हार्मफुल नहीं है, उससे किसी की डेथ नहीं होगी. और दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका स्मूथ स्ट्रेन. जो स्मूथ स्ट्रेन आपका होता है, दैट इज वायरलेंट, या जिससे डेथ हो सकती है. अगर ये बॉडी के अंदर आ गया, देन इट कैन किल अ पर्सन, राइट? अब ये स्मूथ स्ट्रेन स्मूथ क्यों है, तो इसका मैं आपको रीजन यहाँ पे देता हूँ, आपको याद रह जाएगा. स्मूथ स्ट्रेन स्मूथ इसलिए होता है, ये जो मेरा बैक्टीरिया है वो स्मूथ स्ट्रेन, उसे हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके आस पास होता है ग्लाइकोकैलिक्स. क्या ये बात आपने कभी सुनी है? हमने आपको बताया गया था यू हैव अ ग्लाइकोकैलिक्स अराउंड इन द बैक्टीरिया. नहीं आता रहा तो कोई बात नहीं, अभी के लिए याद रख लो दैट एक सराउंडिंग में आपको एक पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स. उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोड. तो अगर बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स है, तो वो है मैंने यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन. ठीक है, तो याद रखना ग्रिफिथ यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो अपने इस स्ट्रेन को स्टडी कर रहे थे,
और उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो होता है लाइक जो बैक्टीरिया उसके दो टाइप है, एक है आपका रफ स्ट्रेन, एक है आपका यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन। याद रखते हैं ये जो मेरा यहाँ पे मेरा स्मूथ स्ट्रेन है, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनमें से कौन सा डेडली होता है, देन आंसर इज गोना बी माय स्मूथ स्ट्रेन इज मच मोर डेडलियर देन द रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन डेथ कॉज कर सकता है, रफ स्ट्रेन कुछ नहीं कॉज करता, ठीक है। तो इतनी बात हमने यहाँ पे देख ली। अब देखते हैं उन्होंने यहाँ पे किया क्या था, व्हाट एक्चुअली ग्रिफिथ डिड, तो ये हम यहाँ पे समझते हैं। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था, उसके पास थे कुछ वहां पे माइस, उसने माइस को पकड़ा। तमनप्रीत बताइए क्या सवाल है आपका। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स जिस बैक्टीरिया के पास होगा उसके पास स्मूथ स्ट्रेन होगा, उसे हम स्मूथ स्ट्रेन बोलेंगे। ओके सर। तो यू विल हैव अ माइस, तो ग्रिफिथ ने क्या किया, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले उसने क्या किया, वो एक माइस लाया पकड़ के, ठीक है, पकड़ के वाले उसके लैब में थे, ठीक है, और उसके अंदर उसने डाला यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन। सो स्मूथ स्ट्रेन को मैं लिखूंगा यहाँ पे एज एस करके लिख दूंगा यहाँ पे एस स्ट्रेन। तो स्मूथ स्ट्रेन को उसने माइस के अंदर डाल दिया, तो क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा। माइस एक्चुअली डाइड, राइट। सो माइस यहाँ पे डेथ हो गई, राइट। अब उसने सेकंड क्या किया वहां पे, उसने लगा चलो कोई बात नहीं हमारे पास माइस बहुत है, वो एक और माइस लेके आया। इस माइस के अंदर उसने क्या किया, ही एडेड द रफ स्ट्रेन। इसके अंदर उसने अपना रफ स्ट्रेन यहाँ पे जो बैक्टीरिया का था वो इसने इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे उसने रफ स्ट्रेन डाला तो द माइस एक्चुअली सर्वाइव, तो माइस एक्चुअली लिव्ड, माइस को वहां पे कुछ नहीं हुआ। तो उसने बोला कि अरे वेरी गुड, फिर उसने एक और माइस लेके आया, ही ब्रॉट वन मोर माइस। इस माइस के अंदर उसने यहाँ पे क्या किया, उसके अंदर उसने डाला स्मूथ स्ट्रेन, लेकिन वो हीट किल स्मूथ स्ट्रेन था। मतलब आप ऐसा समझो कि उसने स्मूथ स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया और उन्हें गर्म टेम्परेचर दे के या हाई टेम्परेचर पर रख के उन्हें खत्म कर दिया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देवर माय स्मूथ स्ट्रेन बट हीट किल्ड, या मैं इसको ऐसे लिखूंगा आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। मैं इनको यहाँ पे बोलूंगा एज अ हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। और अब ये जो बैक्टीरिया थे इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे थे इनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको मार चुका था। अब जब मैंने इनको माइस के अंदर डाला, जब ग्रिफिथ ने इनको माइस के अंदर डाला तो अगेन माइस बच गया। सो माइस एक्चुअली लिव्ड, सर्वाइव कर गया वो वहां पे। सो माइस वॉज हैप्पी, ग्रिफिथ वॉज हैप्पी, राइट, सब कुछ सही जा रहा है यहाँ पे। अब उसने यहाँ पे क्या किया, नाउ लेट्स सी व्हाट ही डिड द फोर्थ टाइम। तो पहले याद रखना कि यहाँ तक उसने क्या किया था, पहले क्या किया उसने माइस लिया एस स्ट्रेन डाला उसकी डेथ हो गई, फिर माइस लिया एक नया माइस लाया वो उसके अंदर उसने रफ स्ट्रेन डाला और वो रफ स्ट्रेन वाला माइस वहां पे बच गया, सर्वाइव कर गया, और ये हमने एक्सपेक्ट किया भी था वैसे भी, राइट, वी नो दैट। थर्ड में उसने क्या किया, माइस लिया और माइस के अंदर डाला उसने ऑलरेडी किल्ड स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, तो ऑलरेडी जो जिनकी डेथ हो चुकी थी उनको उसने डाला क्योंकि वो मरे हुए थे, उनको उसने माइस के अंदर डाला, तो माइस को कुछ नहीं हुआ और माइस वहां पे सर्वाइव कर गया। अब तो और उसके अंदर उसने क्या किया, उसने डाले रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, ही एडेड द रफ स्ट्रेन, तो ये उसने वहां पे डाला। रफ स्ट्रेन के साथ साथ उसने एक और चीज वहां पे डाली, अलोंग विद रफ स्ट्रेन ही आल्सो एडेड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, जो ऑलरेडी मले हुए थे ना स्मूथ स्ट्रेन वाले हीट किल्ड, वो भी उसने वहां पे डाल दिया। तो बेसिकली उसने क्या किया, रफ स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया और उसे मिक्स कर दिया और फिर उसने डाला माइस के अंदर। तो ये बात रखना कि उसने रफ स्ट्रेन लिया, स्मूथ स्ट्रेन लिया, लेकिन वो मरे हुए थे, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन उसने वहां पे लिया और दोनों को मिक्स करके उसने डाल दिया माइस के अंदर। अब जैसे ही उसने ये करके माइस के अंदर डाल दिया तो काफी सरप्राइजिंग बात यहाँ पे हुई कि माइस की वहां पे डेथ हो गई। उसने आके देखा, थोड़ी देर बाद आके देखा, उसने देखा करे माइस तो सो रहा है तीन दिन से, उठ ही नहीं रहा। So that's when he realized कि यार उसकी तो वहाँ पे डेथ हो चुकी है, right? So that is something which actually happened over there, right? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात याद है कि यार आपका रफ स्ट्रेन डाला था उन्होंने उसके अंदर हीट किल, तो स्मूथ स्ट्रेन तो आपका हीट किल था, तो डेथ हुई कैसे, ऐसे कैसे माइस की डेथ हो गई, ये वाली थोड़ी सोचने वाली बात थी उसके लिए कि क्योंकि रफ स्ट्रेन तो डिजीज कॉज नहीं करता। हमने दिखा था यहाँ पे कि रफ स्ट्रेन आपका लाइव रफ स्ट्रेन कोई डिजीज कॉज नहीं करता, और जो हीट किल स्मूथ स्ट्रेन था उसने भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो तो वैसे मरा हुआ था। इसकी डेथ यहाँ पे कैसे हुई, तो उसने क्या किया, उस माइस में से उसने थोड़ा सा
सैंपल निकाला, उसने ब्लड सैंपल माइस में से निकाला। सो उसने क्या किया, अपना जो मरा हुआ जो माइस था ना, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इसमें से क्या किया उसने, कलेक्टेड अ ब्लड सैंपल, कलेक्टेड द ब्लड सैंपल। अब जब उसने यहां से ब्लड सैंपल को इकट्ठा किया, तो उसने थोड़ा ब्लड सैंपल वहां पे इकट्ठा किया, उसने वहां पे देखा, सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, सो ग्रिफिथ फाउंड, सो ग्रिफिथ फाउंड लाइव स्मूथ स्ट्रेन। इसको क्या मिला उस ब्लड सैंपल के अंदर, लाइव स्मूथ स्ट्रेन। और ये देख के वो काफी शॉक हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। सो दैट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंड ओवर देयर। सो उसने वहां पर उसे कलेक्ट किया, उसने थोड़ा ब्लड सैंपल वहां से निकाला, उसने देखा कि उसके अंदर आपके लाइव स्मूथ स्ट्रेन थे माइस के अंदर से मिले, विच वॉज नॉट समथिंग ही एक्चुअली थॉट, क्योंकि लाइव स्ट्रेन थे तो अपने वहां पर डाला ही नहीं था। तो जैसे उसे लाइव स्मूथ स्ट्रेन वहां से उसे मिला, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हमने डाला था रफ स्ट्रेन, राइट, और उसने जब ब्लड सैंपल इकट्ठा किया तो उसमें से उसे मिला वहां पे लाइव स्मूथ स्ट्रेन वहां पे मिला उसे देखने के लिए। तो पता है ग्रिफिथ ने यहाँ पे क्या बोला, तो ग्रिफिथ ने बोला कि आपका जो रफ स्ट्रेन अंदर है वो आपका कन्वर्ट हो गया स्मूथ स्ट्रेन के अंदर। व्हाट एक्चुअली ग्रिफिथ सेड दैट यू आर हैविंग द रफ स्ट्रेन जो थे आपके वहां पे, जो जिंदा थे, जो रफ स्ट्रेन थे आपके वहां पे, दे एक्चुअली गॉट कन्वर्टेड इनटू योर स्मूथ स्ट्रेन, यही आपके कन्वर्ट हो गए आपके स्मूथ स्ट्रेन के अंदर। They were the one who actually got converted into the smooth strain. ये चीज उसने वहां पे बोली, बस इतना ही उसने वहां पे बोला। और उसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट आगे रखी कि कोई तो चीज है जो मेरे रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर रही है। सो देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसफॉर्मिंग माई रफ स्ट्रेन इंटू माई स्मूथ स्ट्रेन, मेरे रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में कुछ ना है वहां पे वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो उसका ये कहना था कि कुछ तो है जो रफ स्ट्रेन से गया स्मूथ स्ट्रेन के अंदर, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट, सॉरी, उसने ये बोला कि कुछ तो था जो आपके, एक सेकेंड, कुछ तो था आपके स्मूथ स्ट्रेन के अंदर जो रफ स्ट्रेन के अंदर गया, और उसकी वजह से दे आर ऑल कन्वर्टेड इंटू माई स्मूथ स्ट्रेन लाइव, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि आपका रफ स्ट्रेन कट हो गया स्मूथ स्ट्रेन के अंदर, और ये सारे जिंदा थे यहाँ पे, राइट, और आप जानते हो कि आपने जो डाले थे वो आपने डाले थे हीट किल्ड वाले, आपने जो रखे थे अंदर स्मूथ स्ट्रेन की बैटरी होता है आपके हीट किल्ड थे, सो यू एक्चुअली केप्ट हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, राइट। तो उसका ये कहना था कि इसमें से जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन वाले जो मेरे यहाँ पे बैटरी आते हैं, इनमें से कुछ तो आपका गया है इसके अंदर, समथिंग हैज गॉट इनसाइड फ्रॉम दिस टू दिस, तो यहाँ से कुछ तो आपके यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, कुछ तो आपका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, और उस ट्रांसफर होने की वजह से मेरा रफ स्ट्रेन यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया मेरे स्मूथ स्ट्रेन के अंदर। अब क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है वो हम लोग जानते हैं कि आपके डीएनए यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से जो आपका जो डीएनए था ना वो डीएनए स्मूथ स्ट्रेन का गया रफ स्ट्रेन के अंदर, और जैसे ही डीएनए गया रफ स्ट्रेन के अंदर तो मेरा जो रफ स्ट्रेन था वो कन्वर्ट हो गया मेरा स्मूथ स्ट्रेन के अंदर। लेकिन वो टाइम उसे मालूम नहीं था, he just said that this something have got transferred from smooth strain to rough strain, और उसके जैसे जो मेरा अच्छा खासा रफ स्ट्रेन था वो मेरा स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया। बट जब उसे पूछा कि क्या है वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, उसे कोई आइडिया नहीं था what was that material which was getting transformed over there, he was no had no clue about that। तो याद रखना कि ग्रिफिथ ने इतना काम करके छोड़ दिया, उसने बस ये बोला कि कुछ तो है जो ट्रांसफर किया जा रहा है, कुछ तो है जो ट्रांसफर हुआ आपके रफ से, सॉरी स्मूथ से, डेड स्मूथ से रफ के अंदर, जिससे वो कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या है वो हमें मालूम नहीं। दिस इज समथिंग फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्चुअली डिड। अब इसके बाद वाला काम ये था कि हमें वो पता करना था कि वो चीज है क्या जो आपका कन्वर्ट करिए एक रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन के अंदर, जो हम जानते हैं डीएनए, बट वो बाद में पता किया गया था। तो पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें yes, लड़के लोग को यहाँ पे सब समझ आ जा रहा है, अनिरुद्ध, अक्षय, महेश, शिवा, ओम एंड ऑल द अदर बॉयज, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा है? हाँ बोलो, आवाज कट गई बेटा, आवाज कट गई, अपना माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद। और एडर देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो रफ स्ट्रेन डाला माइस के अंदर, देखो कितना खुश है वो, कुछ नहीं हो सर, ही सर्वाइव्ड, राइट। स्मूथ स्ट्रेन डाला,
द माइस डाइड हुआ था निमोनिया, उसके से उसकी वहां पे डेथ हो गई, ठीक है। देन हीट किल्स स्मूथ स्ट्रेन, जब मैंने यहाँ पे डाला माउस के अंदर, सो यहाँ पे क्या होगा, अगेन वो आपका सर्वाइव कर जाएगा बिकॉज दे आर हीट किल्ड, तो यहाँ पे वो आपका सर्वाइव नहीं, यहाँ पे वो सर्वाइव करेगा, ये गलत है, हीट किल के अंदर यहाँ पे सर्वाइव करेगा, सो दैट इज रॉन्ग ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू सर्वाइव, इनकरेक्ट इनकरेक्ट, दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी, ये यहाँ पे सर्वाइव करेगा, ओके। उसके बाद अब जब आप यहाँ पे हीट किल के साथ मिक्स कर रहे हो रफ स्ट्रेन को, जब हीट किल के साथ मिक्स कर रहे हो आप यहाँ पे रफ स्ट्रेन को, अब आप यहाँ पे जब इंजेक्ट करोगे देन यू विल फाइंड नाउ इट इज डाइंग बिकॉज ऑफ द निमोनिया, अब इसके यहाँ पे डेथ हो गई। अब फिर आपने क्या किया, इसकी डेथ होने के बाद आपने उसका ब्लड सैंपल यहाँ पे इकट्ठा किया एंड आपने क्या देखा, आपको लाइव एस स्ट्रेन आपको वहां पे मिल गया, आपको लाइव एस स्ट्रेन वहां से आपको मिले, जो आपने सोचा भी नहीं था। सो दैट इज समथिंग विच हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब जैसे ही आपका यहाँ पे हुआ तो वो टाइम पे आपने बोला, आपने ये चीज आपके सामने रखी, दैट इज समथिंग विच इज ट्रांसफॉर्मिंग माई रफ स्ट्रेन इंटू माई स्मूथ स्ट्रेन, जो मैं आपको यहाँ बताया वही चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन की, दिस समथिंग विच इज ट्रांसफॉर्मिंग माई रफ स्ट्रेन इंटू माई स्मूथ स्ट्रेन, राइट। कुछ तो ट्रांसफर हुआ है आपके हीट किल वाले बैक्टेरिया में से रफ स्ट्रेन के अंदर, जिससे वो कन्वर्ट हो गया, क्या हुआ है वो, नो वन हैज अ क्लू अबाउट दैट। तो इतनी बात याद रखिए, देयर इज समथिंग अबाउट, देयर इज समथिंग विच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, बस इतना इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आगे देखते हैं आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो आपके यहाँ पे ग्रिफिथ ने आपने यहाँ पे कर दिया, इसने अपना काम यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट चीज जो आपके यहाँ पे होगी दैट इज योर, कि अब हमें पता करना है कि वो है क्या जो ट्रांसफर कर रहा है, जो कन्वर्ट कर रहा है मेरे अच्छे खासे रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन के अंदर, वो है क्या, वो हम यहाँ पे पता करेंगे। सो वॉट इज अ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है आपका, जो हम लोग जानते हैं कि डीएनए है, तब नहीं पता था उन लोगों को, इसको पता करने की कोशिश अब चालू कर रहेंगे लोग यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो इन द ईयर ऑफ 1933, इन द ईयर ऑफ 1933 आपके तीन साइंटिस्ट थे आपके यहाँ पे, ऑस्वर्ल्ड एवरी, मैकार्थी एंड मैक्लॉयड, सो ये आपके यहाँ पे साइंटिस्ट थे, जस्ट वेट अ मिनट, these were the scientists, like McCarthy, scientists का नाम याद रखना, McCarthy, Avery and McLeod. These were the scientists who actually decided कि हम पता करेंगे कि क्या है वो content, क्या है वो आपका material जो actually transfer हो रहा है आपके एक bacteria में से दूसरे bacteria के अंदर। So ये उनका objective था। कौन से साल में इन्होंने किया? Around 1933 से लेकर 44 के बीच इनका यहाँ पे काम था, right? तो ये scientists का नाम याद रखना, McLean, McCarthy, Oswald Avery and Colin McLeod. और याद रखना, लोगों को पता है क्या लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोटीन, काफी लोग यही सोच रहे थे कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल आपका होता है वो एक्चुअली में आपका प्रोटीन है, मेनी पीपल बिलीव दैट, वो टाइम पे सबको ये लगता था कि यार प्रोटीन ही है, ये सब लोग जो ढूंढ रहे हैं ना आपके बैठ के ये सब काम कर रहे हैं, उन्हें बाद में वो पता चलेगा कि प्रोटीन ही होता है, मेनी पीपल हैड दिस स्कूल ऑफ थॉट, दे वर थिंकिंग दैट इज प्रोटीन ओनली। अब इनका काम यहाँ पे क्या था वो हम यहाँ पे समझते हैं, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, सो लेट मी शो यू ओवर हियर। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो अब ये जो आपके तीन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दे टुक सम टेस्ट ट्यूब, उन्होंने टेस्ट ट्यूब ली, सो लेट्स से यहाँ पे हम चार टेस्ट ट्यूब लेते हैं, यावर टेस्ट ट्यूब वन, यावर टेस्ट ट्यूब टू, यावर टेस्ट ट्यूब थ्री एंड यावर टेस्ट ट्यूब फोर। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने यहाँ पे क्या डाला, पहले उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले आपके यहाँ पे हीट किल स्मूथ स्ट्रेन, तो इन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर याद रखना यहाँ पे क्या डाले, दे केप्ट ऑल द स्मूथ स्ट्रेन, और ये सारे जो स्मूथ स्ट्रेन आपके यहाँ पे थे वो थे आपके यहाँ पे हीट किल्ड, सो जो ऑलरेडी डेड थे ना यहाँ पे, सो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन वर एडेड ओवर हियर, तो टेस्ट ट्यूब में याद रखना क्या डाला उन्होंने यहाँ पे, दे एडेड द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत शॉर्ट में बताया गया है आपके एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसे एक बार ध्यान से सुन लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो हीट किल स्मूथ स्ट्रेन आपने डाले टेस्ट ट्यूब के अंदर, अब आपने यहाँ पे क्या किया, नाउ व्हाट यू डिड ओवर हियर, अब इसमें आपने डाला रफ स्ट्रेन को, अब इसके अंदर आपने जो जिंदा रफ स्ट्रेन थे वो सब आपने यहाँ पे डाल दिया, सो नाउ आई विल बी एडिंग ओवर हियर द रफ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सो यहाँ पे इसको रफ स्ट्रेन को डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया, सो एवरीवेयर आई एडेड द रफ स्ट्रेन ओवर हियर, ठीक है। इतना यहाँ पे क्लियर है आपको, यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस 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 सर, यस सर, ये मालूम होना चाहिए सबको कि यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, तो याद रखना हीट किल स्मूथ स्ट्रेन मैंने यहाँ पे डाल दिया और रफ स्ट्रेन मैंने यहाँ पे डाल दिया,
याद रखना, हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मटेरियल होता है जो आपका हीट किल में से रफ स्ट्रेंथ के अंदर जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि वो हमारा डीएनए है, लेकिन वो टाइम पे उन्हें पता नहीं था, और वही चीज यहाँ पे पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मटेरियल है जो आपका ट्रांसफर किया जा रहा है एक हीट किल स्मूथ स्ट्रेन में से रफ स्ट्रेन के अंदर। अब पता है इन्होंने यहाँ पे क्या किया, उनके दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी, उन्होंने सोचा कि शायद आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, या डीएनए हो सकता है, कुछ तो है जो ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पहली जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर उन्होंने डाला अपना प्रोटीएज एंजाइम। तो इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाला यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। अब जब उन्होंने यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम डाला, तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, जितना भी प्रोटीन होगा आपके स्मूथ स्ट्रेन के अंदर उसे वो डाइजेस्ट कर लेगा। जो भी आपका प्रोटीन रहेगा आपका स्मूथ स्ट्रेन के अंदर, वो आपका प्रोटीन वहां पे आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपका प्रोटीन वहां पे डाइजेस्ट हो गया, राइट, सो ऑब्वियसली वो सब आपका वहां पे टूट चुका है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही प्रोटीएज एंजाइम वहां पे उन्होंने डाला, तो उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका यहाँ पे रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये डालने के बाद भी उन्होंने थोड़ी देर बाद आके देखा ना, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको मिल रहे थे कई सारे स्मूथ स्ट्रेन। सो इवन आफ्टर सम टाइम दे फाउंड दैट गुड नंबर ऑफ स्मूथ स्ट्रेन वर सीन ओवर देयर। ये रफ स्ट्रेन जितने मेरे यहाँ पे थे सारे मेरे कन्वर्ट हो गए थे स्मूथ स्ट्रेन के अंदर। तो बताइए इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि प्रोटीन वो मटेरियल नहीं है जो आपका जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे, प्रोटीन वो चीज नहीं है जो आपकी ट्रांसफर की जा रही है आपके स्मूथ स्ट्रेन से रफ स्ट्रेन के अंदर, क्योंकि हमने तो उसे डाइजेस्ट कर दिया। कैसे डाइजेस्ट किया हमने उसे यहाँ पे, यूजिंग माय प्रोटीएज एंजाइम। जैसे मैंने प्रोटीएज एंजाइम डाला तो सारा प्रोटीन तो टूट गया, प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने के बावजूद मुझे वहां पे रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट होते हुए मुझे यहाँ पे मिल गए थे। तो कई सारे मुझे स्मूथ स्ट्रेन यहाँ पे घूमते मुझे यहाँ पे मिल गए, राइट। तो ये बात आपको समझ आई यहाँ पे क्या क्या, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उन्हें पता चल गया कि प्रोटीन तो नहीं है, प्रोटीन तो आपका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे नहीं है। शिवा समझ आ रहा है, शिवा, महेश, अनिरुद्ध, ओम, समझ आ रही वाली चीज? यस सर। कोई चीज समझ ना, कोई चीज समझ ना सर, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे तो ठीक है, ओके। सो दिस इज नॉट प्रोटीएज। सेकेंड टेस्ट में उन्होंने क्या किया, उन्हें ये भी कंफर्म करना था कि आरएनए तो नहीं अपना जेनेटिक मटेरियल, तो उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने एंजाइम डाला आपका यहाँ पे आरएनएज। आरएनएज जो आपका एंजाइम होता है, ये एंजाइम जाके आपके जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल है आपके स्मूथ स्ट्रेन के अंदर उसे जाके वो ब्रेक डाउन कर देंगे। तो आरएनएज डालने के बावजूद उन्होंने थोड़ी देर बाद आके देखा तो सारे के सारे मेरे रफ स्ट्रेन जो मेरे यहाँ पे थे वो सारे कन्वर्ट हो चुके थे मेरे यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन के अंदर। सारे के सारे जो रफ स्ट्रेन मेरे यहाँ पे थे वो स्मूथ स्ट्रेन में मेरे यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके थे। तो इससे पता चलता है कि आरएनए भी मेरा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आरएनए हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अगर हमने उसे ब्रेक डाउन कर दिया तो श्योरली ये वो चीज नहीं थी जो उसके अंदर गई थी, ये वो चीज नहीं थी जो स्मूथ हीट किल स्मूथ में से रफ के अंदर ट्रांसफर की गई थी। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे कि कई सारे यहाँ पे मुझे स्मूथ स्ट्रेन बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल गए थे रफ के। तो ये भी मेरे यहाँ पे क्लियर हो गया कि आरएनए भी नहीं है। अब उन्होंने किया कि अब हम यहाँ पे डालते हमारे यहाँ पे लाइपेज। अब उन्होंने यहाँ पे क्या लाइपेज यहाँ पे डाला। अब आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं लाइपेज डालूंगा तो लाइपेज किस चीज को डाइजेस्ट करेगा और क्या आपको यहाँ पे होते मिलेगा, जो आप मुझे बता सकते हो। अगर ये दो अगर आपको समझे तो एक और चीज आप मैं बता सकते हो। बताइए मोनिका, लाइपेज अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? सर अगर लाइपेज डालेंगे तो जितना भी लिपिड कंटेंट होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो लिपिड जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। स्लोली बोलो, सबको पता चलना चाहिए। हाँ धीरे धीरे बोलो। सर तो लिपिड कंटेंट जो होगा वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर लिपिड कंटेंट सारा डाइजेस्ट हो गया ना, तब भी मतलब इसमें होगा जो रफ स्ट्रेन होंगे ना वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो कंटेंट जो ट्रांसफॉर्मिंग है ना वो इसमें मतलब लिपिड या फिर लाइपेज जो वो इसमें वो नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे जब आपने लाइपेज डाला तो लाइपेज सारे लिपिड को यहाँ पे डाइजेस्ट कर देगा। अब लाइपेज जब आपके लिपिड को यहाँ पे डाइजेस्ट कर रहा है तो उसके बावजूद आपको क्या मिलेगा देखेंगे कि आपके जो रफ स्ट्रेन यहाँ पे होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ पे कन्वर्ट होने लगेंगे आपके स्मूथ स्ट्रेन के अंदर। और जब आप यहाँ पे आके देखोगे कि अरे यहाँ पे तो अभी भी स्मूथ स्ट्रेन आपको बन रहे कई सारे, तो आपको समझ आ जाता है कि लिपिड मेरा कभी भी जेनेटिक मटेरियल मेरे वहां पे नहीं था। मुझे बताया जाए कि यार ये भी वो मेरा जेनेटिक मटेरियल वहां पे था, क्योंकि कई सारे मेरे यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल गए। अब जो आखिरी चीज यहाँ पे आप करते हो आपकी यहाँ पे ये होती है दैट यू एड ओवर हियर योर डीएनए एंजाइम। यहाँ पे आप डालते हो अपना यहाँ पे डीएनए एंजाइम। अब ये जो डीएनए एंजाइम आपका यहाँ पे आप ऐड करोगे, सिंपल सी बात है, ये जाके डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा, ये जाके डीएनए के कई सारे स्मॉल वहां पे पीसेस आपके बना लेगा।
अब जैसे ही आपने अपना डीएनए एंजाइम अपने वहां पे डाला तो क्या होगा, आपका पूरा डीएनए वहां पे डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे डीएनए डाइजेस्ट हो गया, अब आप आके देखते हो ना तो आपका कोई भी रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। सो आफ्टर एडिंग डीएनए यू कैन स्टिल फाइंड, यू विल ओनली फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द रफ स्ट्रेन। आप आके देखते हो, आधे घंटे बाद आके देखते हो तो सिर्फ आपके यहाँ पे रफ स्ट्रेन ही आपको वहां पे दिखेंगे, कोई भी आपका रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो यू आर एक्चुअली एबल टू सी ओनली रफ स्ट्रेन प्रेजेंट ओवर देयर। तो क्योंकि आपका यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, और कब नहीं हुआ, जब मैंने वहां पे डीएनए एंजाइम डाला, जब मैंने डीएनए को ब्रेक डाउन कर दिया तो वहां पे वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा वहां पे नहीं हुआ, और ये पॉइंट पे उन्हें पता चल गया कि डीएनए होता है आपका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे रियलाइज दैट यस डीएनए इज गोइंग टू बी योर जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ना वो डीएनए है, ये डीएनए है जो आपका ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है या आपका ट्रांसफर किया जा रहा है आपके स्मूथ से रफ स्ट्रेन के अंदर, और इसके वजह से ही आपका रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये कहानी आपको यहाँ पे समझनी है। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा एक बार ये खुद से भी ड्रॉ कर लेना, क्योंकि आप ये खुद से ड्रॉ करोगे ना तो आपके जहन में वो चीज बैठ जाएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब मुझे सच्ची सच्ची बताओ, क्या ये चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही आपको यहाँ पे? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, और लेडा हो ये सारे लड़कों को भी अपना ले रहा है। अनिरुद्ध समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सर ये जो डाइजेस्ट करेगा ये आर स्ट्रेन से भी करेगा और एस स्ट्रेन से भी करेगा। आप इसको उसको नाउ व्हाट यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग इट स्लाइटली कॉम्प्लेक्स फॉर योरसेल्फ। यू इमेजिन इट इज डूइंग द डाइजेशन ऑफ द एस स्ट्रेन ओनली, ठीक है? इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, राइट अपूर्वा? राइट, ऐसे नहीं होता कैसे आप डालते हो आर स्ट्रेन, ऐसा नहीं होता, राइट? इट इज मच गोइंग टू मच मोर कॉम्प्लेक्स, बट आप क्या रखना है वो सिर्फ मेरे स्मूथ स्ट्रेन कहां पे डाइजेस्ट कर रहा है, उसके मटेरियल कहां पे डाइजेस्ट कर रहा है। Getting my point? आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है? So that is what you will be finding happening. So आपको यहाँ पे story की outline समझ जाए आपको यहाँ पे कि यहाँ पे क्या उन्होंने यहाँ पे perform किया था, and after that what they were able to see over there, right? What they were able to see in this. तो इस तरीके से याद रखना that your rough strain is which is the one which is going to be present over here, और ये आपका rough strain जो आपका यहाँ पे होगा which is present इसलिए है वहाँ पे क्योंकि आपका DNA यहाँ पे break down कर सकते हो, आपके smooth strain का जो DNA था heat killed उसका DNA आपने break down कर दिया, इसलिए आप ये कन्वर्ट नहीं हो पाया। सो दिस इज व्हेन दे रियलाइज दैट यस इट इज योर डीएनए व्हिच वाज माय जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? तो ये टाइम पे उन्होंने बोला यहाँ पे। सो इसको अभी आप यहाँ पे सिर्फ आप साइंटिस्ट का नाम याद रख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी अगर आप ये पढ़ोगे ना वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, काफी शॉर्ट में से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आपको ये स्टोरी याद रखनी है कि यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने किया क्या था। एंड आफ्टर दिस दे सेड दैट यस इट्स योर डीएनए व्हिच इज योर जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आप एक और बात याद रखना कि जब इन तीनों ने बोला ना कि यार डीएनए ही होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, तो लोगों ने वो बात मानने से इनकार कर दिया। सो लाइक पीपल आर नॉट कन्विंस्ड, रादर आई वुड से वो लोगों को अभी वो कन्विंस नहीं थे, यार ये नहीं ऐसे थोड़ी होता है, राइट? दे वर लाइक दैट कि ऐसे थोड़ी इसमें अंदर आपको होते आपको मिलेगा। सो दैट इज वॉट दे सेड एंड दैट्स वाई द थिंग वॉज नॉट एक्सेप्टेड, ये करने के बावजूद कि डीएनए ही आपका होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसलिए हमारा यहाँ पे हम एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो फाइनली आपका प्रूफ देता है कि डीएनए ही होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। सो द लास्ट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय हर्शी एंड चेज। सो आखिरी जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पे था विच वाज डन बाय हर्शी एंड चेज, इन्होंने किया था आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसने प्रूफ किया था। याद रखना ये सवाल आपके सामने आ सकता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट के बाद आपने प्रूफ किया था दैट डीएनए इज गोइंग टू बी योर जेनेटिक मटेरियल। याद रखना इट वॉज डन बाय माई हर्शी एंड चेज ने किया था, उसके बाद पता चला था कि हाँ जी डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल आपका यहाँ पे होता है, ठीक है? अच्छा पहले ये बताओ, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, दिस वन इज क्लियर, ये वाला क्लियर है आपका? ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यू हैव समथिंग लाइक योर बैक्टीरियोफेज, यू हैव समथिंग लाइक योर बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है? इट इज बेसिकली गोइंग टू बी अ वायरस, ये आपका यहाँ पे वायरस है, और ये वायरस जो आपका होता है ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया। नहीं, बैक्टीरियोफेज इज द नेम ऑफ द वायरस, और ये वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये एक वायरस है आपका यहाँ पे, और ये वायरस क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट, बेसिकली जाके बैक्टीरिया के अंदर लाइक जाके रहता है और उसके अंदर अपना रिप्रोडक्शन वहां पे करता है। सो इज गोइंग टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, इज गोइंग टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया।
So yeah, Dakna, so you have a bacteriophage and this bacteriophage is known to infect the bacteria. अब थोड़ी सी बात आप यहाँ पे याद रखो, दिस वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर हियर, दैट योर बैक्टेरियोफेज विल बी हैविंग, इट विल हैव द हेड पार्ट, राइट, इट विल हैव सम टेल पार्ट, ये उसके टेल पार्ट होता है, आपने इसका पिक्चर होगा, सो इसका जो हेड पार्ट होता है ना, दैट्स गोइंग टू बी मेड अप ऑफ योर प्रोटीन, सो हेड पार्ट इज गोइंग टू बी नथिंग बट माय प्रोटीन, ये आपका प्रोटीन से बना हुआ होता है और अंदर होता है आपका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, अंदर आपको लगा देखने के लिए आपको यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, अंदर आपको लगा यहाँ पे आपका डीएनए, सो इनसाइड यू विल हैव द डीएनए, ठीक है, इतनी बात पहले आप यहाँ पे आ रखना, सो यू विल हैव ऑन द इनर साइड यू विल हैव द यू विल हैव अ प्रोटीन, राइट, यू हैव अ प्रोटीन व्हिच इज द आउटर कोटिंग इज गोइंग टू बी अ प्रोटीन एंड इनसाइड यू विल हैव अ डीएनए, इनसाइड आपको यहाँ पे मिलेगा डीएनए, दैट्स अ बैक्टेरियोफेज. अब याद रखना हमेशा एक चीज यहाँ पे, नाउ ये पिक्चर तो चलो ठीक है, दैट्स अ बैक्टेरियोफेज, ऐसे ही कुछ आपको यहाँ पे दिखाई गई है. एंड एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने ये आपका किया था आपका एक्सपेरिमेंट, राइट, इन्होंने प्रूव किया था आपके यहाँ पे इन द 1952 दैट डीएनए इज गोइंग टू बी जेनेटिक मटेरियल. कैसे किया था, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ. सी, अगर मैं बनाऊ आपका यहाँ पे, पहले स्टोरी को थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, इफ यू हैव दिस बैक्टीरिया ना, समझिए मेरा बैक्टीरिया, तो बैक्टेरियोफेज जब इसके ऊपर आके बैठता है, बैक्टेरियोफेज जब इसके ऊपर आके बैठेगा, जब बैक्टेरियोफेज इसके ऊपर आके बैठेगा तो आप जानते हो कि इसका आउटर कोटिंग होती है आपके यहाँ पे प्रोटीन से बनी हुई होती है, राइट, वो कभी भी बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं होती, बैक्टेरियोफेज के अंदर जो डीएनए होता है ना वही एंटर करता है, सो बैक्टेरियोफेज के अंदर जो आपका डीएनए होता है यहाँ पे, सो लेट मी से डीएनए ब्लू कलर, जो डीएनए यहाँ पे होता है वही होता है जो एक्चुअली रिलीज किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, याद रखना ये बात हमेशा याद रखना, जो डीएनए अंदर यहाँ पे होगा यही डीएनए आपका जाएगा आपके इसके अंदर इनसाइड योर बैक्टीरिया, और फिर ये डीएनए जाके हाईजैक कर लेता है बैक्टीरिया के डीएनए को, सो ये डीएनए समझो मैं व्हाइट कलर का बनाता हूँ ताकि अलग दिखे थोड़ा, ये डीएनए हमने इसे अंदर भेज दिया और अब ये डीएनए जाके लग जाएगा बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर और इसने से कर लिया हाईजैक. हाईजैक पता ना क्या होता है, व्हाट इज हाईजैक इज गोइंग टू बी, यस सर, बताओ शिवा हाईजैक का मतलब क्या होता है, yes, sir. सर बिना परमिशन किसी के ऊपर थोप झांपना, लाइक दिस, एग्जांपल दो हाईजैक, अरे हाईजैक तुमने, अरे सर मतलब किसी को सर मतलब हॉस्टेज बनाना लाइक दिस ऐसा कुछ सर, मतलब वो तो हॉस्टेज बनाना हो गया ना फिर. अब मैं अगर तुम्हारे स्कूल में आके सबको रोक लूं कि कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक असाइनमेंट खत्म नहीं हो रहा, सो दैट्स अ हॉस्टेज कंडीशन, राइट, हाईजैक नहीं होगा अक्षर, हाईजैक क्या होता है, पीपल आर लाइक क्या तुम लोग क्या है, नीट एमबीबीएस, सी बेसिकली लाइक यू फाइंड हैपनिंग इन द प्लेन ना, प्लेन में आप क्या करते हो, प्लेन अगर आप हाईजैक करते हो तो आप क्या करते हो, अगर मैं प्लेन में जा रहा हूँ प्लेन को हाईजैक कर रहा हूँ या अगर कोई प्लेन को हाईजैक कर रहा है, देन व्हाट दे आर डूइंग, दे विल नॉट डायरेक्ट द प्लेन इन देयर पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब वो डिसाइड करेंगे कि प्लेन को कहाँ पे लेके जाना है, राइट, सो दे हैव एक्चुअली हाईजैक द प्लेन और हाईजैक द बस और हाईजैक द ट्रेन, सो नाउ यू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग समवन एल्स डिवाइस ताकि आप कहीं पे उसे लेके जा सको. सेम चीज आपके यहाँ पे की जा सकती है इसके साथ भी, आपका जब डीएनए एंटर करता है इसके अंदर, ये जाके अपना डीएनए लग जाएगा आपका बैक्टीरिया के साथ और उसके बाद वो बताएगा कि कितना प्रोटीन यहाँ पे बनेगा और कौन सा प्रोटीन आपके यहाँ पे बनेगा, सो दैट्स व्हाई वी से दैट वायरस कम्स इनसाइड द सेल एंड हाईजैक द जेनेटिक मशीनरी, वो आपके अंदर आके आपके जेनेटिक मशीनरी को वहां पे वो हाईजैक कर लेता है, ये चीज आपको हमें मालूम होनी चाहिए. अब ये एक बेसिक स्टोरी जो आपको याद रखनी है कि आपका बैक्टेरियोफेज इस तरीके से काम करता है. अब हम देखते हैं कि हर्षा और चेज ने यहाँ पे क्या किया था, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हर्षा एंड चेज डिड, सो नाउ व्हाट यू विल फाइंड इन दिस कि यहाँ पे उन्होंने दो बैच लिए, मतलब दो यहाँ पे सिलेक्शन किया, यहाँ पे दो उन्होंने ग्रुप बनाया यहाँ पे, सो एक ग्रुप था आपका यहाँ पे बैक्टेरियोफेज का, उसको उन्होंने ग्रो किया था सल्फर के अंदर, रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर, so assume that you have this one bacteriophage और ये bacteriophage को इन्होंने यहाँ पे grow किया था, this was grown in radioactive sulfur, so this bacteriophage was grown in radioactive sulfur. अब जिस radioactive sulfur में इन्होंने इसको यहाँ पे grow किया था, याद रखना सल्फर हमेशा आपको मिलता है प्रोटीन के अंदर, सल्फर आपको कभी भी डीएनए के अंदर आपको नहीं मिलता, और ये बात साइंटिस्ट वहां पे जानते थे,
that sulfur is something you will always find in the protein, but you will never find the sulfur inside the your DNA. तो आप पता है यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेडियोएक्टिव सल्फर था ये सारा के सारा जाके लग गया आपके प्रोटीन कोट के ऊपर. तो जो पूरा जो रेडियोएक्टिव सल्फर मेरा यहाँ पे था वो आपको कहाँ मिलेगा लगा हुआ, इट विल बी सीन ऑन द प्रोटीन कोट. मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो आउटर कवरिंग है आपके बैक्टेरोफेज की वो प्रोटीन से बनी हुई है, द आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो ये जो आपका रेडियोएक्टिव सल्फर होगा ये कहाँ जाके लगेगा, इट विल बी सीन ऑन द आउटर कोट. तो ये आपको वहां पे लगा हुआ आपको वहां पे मिल जाएगा. उसी तरीके से उन्होंने एक और बैक्टेरोफेज को ग्रो किया, एक और दूसरे टब के अंदर एक और बैक्टेरोफेज को उन्होंने ग्रो किया, और जिस बैक्टेरोफेज को उन्होंने यहाँ पे ग्रो किया उसको उन्होंने ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फरस के अंदर. दिस बैक्टेरोफेज वॉज ग्रोन इन द रेडियो एक्टिव फॉस्फरस. तो इसको हमने ग्रो किया यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फरस के अंदर. दिस बैक्टेरोफेज वॉज ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फॉस्फरस. अब जब मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ रेडियो एक्टिव फॉस्फरस के अंदर, तो आप याद रखना कि ये जो फॉस्फरस होता है ये आपको कभी भी प्रोटीन में आपको नहीं मिलेगा, बट यू विल फाइंड देम इन द डीएनए. ये आपका फॉस्फरस आपको मिलेगा आपका डीएनए के अंदर. तो जब उन्होंने इस बैक्टेरियोफेज को ग्रो किया एक टब के अंदर, एक रेडियो एक्टिव फॉस्फरस के टब के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, जो भी यहाँ पे डीएनए होगा ना उस डीएनए के अंदर आपको लगा हुआ आपको मिलेगा यहाँ पे आपका फॉस्फरस. रेडियो एक्टिव फॉस्फरस इस डीएनए के अंदर आपको लगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे जो आपका डीएनए था जिसको जिस बैक्टेरियोफेज हमने ग्रो किया था रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर, क्या इस डीएनए के अंदर मुझे सल्फर मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस रेडियो एक्टिव सल्फर मुझे इस डीएनए में मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज सल्फर कभी डीएनए पे होता ही नहीं है. सल्फर इज ऑलवेज देयर ऑन द आउटर साइड, इट इज ऑलवेज देयर ऑन द प्रोटीन कोट. प्रोटीन पे होता है वो, तो सल्फर आपको मिलेगा प्रोटीन कोट के ऊपर यहाँ पे, और इनसाइड में आपको यहाँ पे कोई सल्फर आपको नहीं मिल रहा. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपको जो डीएनए है डीएनए के अंदर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे फॉस्फरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फरस, बट नॉट ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन के अंदर फॉस्फरस नहीं होता. तो पहले तो आप इतनी बात यहाँ पे आप समझ लो. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. हमने दो अलग अलग बैक्टेरियोफेज को यहाँ पे ग्रुप बनाया, एक को ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर, एक को हमने ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फरस के अंदर. जब मैं फॉस्फरस में ग्रो कर रहा हूँ तो सारा फॉस्फरस जाके लगेगा मेरे डीएनए के अंदर, और जब मैं उन्हें सल्फर वाले बैच के अंदर ग्रो करता हूँ तो सारा डीएनए सारा सल्फर मेरा जाके लगेगा मेरे प्रोटीन कोट के ऊपर. तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. सो पहले ये बताओ क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है. Now I will allow the bacteriophage to infect. अब मैं इनको बोलूंगा कि जाके आप infect करो. अब इनको मैं बाहर निकलूंगा वहां से और बोलूंगा कि जाओ जाके infect करो अपने bacteria को. So now they will go and infect the bacteria. Basically यहाँ जाके infect करेंगे bacteria को. So now we will allow them this to go and infect the bacteria. So infecting the bacteria. I'm in the DNA बना रहा हूँ चलो. ठीक है. तो ये आपने करना है यहाँ पे आ रहा second step आपको यहाँ पे क्या कि आप उन्हें बोलोगे कि जाके infect करिए bacteria को. मतलब उनको आप mix करोगे bacteria वाले culture के साथ. So that they can infect. Right? अब इसके बाद आप पता है क्या करते हो? इसके बाद आप लाते हो अपना blender. Blender मालूम है ना आप लोगों को? Blender is something like जिसमें अपना like मसाला सब पीसते हैं. वही ब्लेंडर उन्होंने वहां पे यूज किया राइट. तो अब उन्होंने क्या किया, ब्लेंडर में इन दोनों के मिक्सचर को वहां पे डाल दिया. ब्लेंडर के अंदर क्या किया, उसको मिक्स कर दिया. सर वो बैक्टीरिया पूरा का पूरा और उसका डीएनए सब कुछ पूरा. मतलब आपने पहले इन्फेक्ट कराया, आपने पहले इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्ट कराया के बाद वो पूरा जो बैक्टीरिया था ना पूरा उसको निकाला वहां से और ब्लेंडर में जाकर उसे वहां पे मिक्स कर दिया. ठीक है. ब्लेंडर में मिक्स करने के बाद उसके बाद आपने एक ये हो गया मेरा स्टेप नंबर थ्री. ये मेरा हो गया यहाँ पे स्टेप नंबर थ्री यहाँ पे. और उसके बाद आपने वहां पे एक टेक्निक रन की एंड दैट टेक्निक वाज माय सेंट्रीफ्यूज. ये करने के बाद जो अगली चीज मैं यहाँ पे करता हूँ दैट इज माय सेंट्रीफ्यूज. तो ब्लेंडर में मिक्स करने के बाद नाउ आई विल बी रनिंग समथिंग लाइक योर सेंट्रीफ्यूज. नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज आपने शायद देखा होगा कभी. इसमें क्या होता है ना कि आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आप अपने कंटेंट को आप डालते हो. जैसे आपका ब्लड है, ब्लड को आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे, उसे आप रोटेट करोगे बहुत हाई स्पीड के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि आपका प्लाज्मा अलग हो जाता है और आपका
आरबी से आपके नीचे इकट्ठा हो जाएगा। सो लाइट चीजें ऊपर आ जाती है और हैवियर जो सेल्स होते हैं ना वो आपके नीचे आ जाते हैं। सो सेंट्रीफ्यूज एक आपकी टेक्निक होती है। सो सेंट्रीफ्यूज आपकी एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो मैं आपको बता देता हूँ जिनको ये मालूम नहीं है। सो इन दिस टेक्निक व्हाट यू विल बी डूइंग ओवर हियर इज कि आप अपना सब जो टेस्ट ट्यूब लिया उसमें आपने अपना ब्लड डाला, ब्लड डालने के बाद उसे एक मशीन में आप डाल दोगे, उसके बाद आप रोटेट कराओगे। अब रोटेट करने के बाद क्या होता है कि ब्लड के अंदर जितने भी आपके फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, वो सारे नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। उसके अलावा जो भी आपका प्लाज्मा होता है वो आपको ऊपर इकट्ठा हो, उसका आपका अलग से सेपरेशन आपको मिल जाता है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे भी की थी। बोलो बेटा बोलो क्या चाहिए आपको, बोलो। ठीक है, सो हियर ऑल्सो यू विल डू द सेंट्रीफ्यूज फॉर बोथ द बैचेस। दोनों बैच के लिए आप यहाँ पे अपना सेंट्रीफ्यूज वाली टेक्निक आप यहाँ पे अपनी यूज करते हो। मैं एक बार आपको ये मशीन दिखा दूंगा, मतलब स्क्रीन के ऊपर, राइट, एंड हाउ दैट लुक्स लाइक लेटर। सो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो उसके बाद पता है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, उन्होंने टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखा। तो जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज करने के बाद टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखा सो दे वर फाइंडिंग समथिंग। अब यहाँ पे उन्हें कुछ मिलेगा देखने के लिए, नॉलेज अंडरस्टैंड। अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमेशा याद रखना, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो भी सेल्स होते हैं वो आपके हो जाते हैं नीचे, जो भी सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। सो ऑल द बैक्टीरियल सेल्स विल बी इन द लोअर बॉटम और इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ पैलेट। दिस इज कॉल्ड एज माय पैलेट, राइट। सो पैलेट में याद रखना यू विल ऑल हैव योर सेल्स। सो यहाँ पे आपको सारे आपके बैक्टीरियल सेल्स आपके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। सो दीज आर ऑल सेल्स विच आर नथिंग बट माई बैक्टीरियल सेल्स जो आपके यहाँ पे मिलेंगे, राइट। और इसके अलावा जो ऊपर जो फ्लूइड आपको मिलेगा यहाँ पे, जो ऊपर वाले एरिया में आपको यहाँ पे जो फ्लूइड मिलेगा, दैट फ्लूइड, उसके अलावा जो आपके यहाँ पे फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को सेल्स के नाम क्या बोला आपने? पैलेट, पैलेट सेल्स के नाम नहीं होते, उन्हें हम उस जो नीचे जो चीज इकट्ठा होती है उसे हम पैलेट बोलते हैं, PELLET, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पैलेट। तो नीचे आपके यहाँ पे पैलेट इकट्ठा हो गया और आपके यहाँ पे जो ऊपर वाला जो एरिया आपके यहाँ पे रह गया ना, द ऊपर जो आपके यहाँ पे फ्लूइड आ रहा है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सुपर नेटेंट। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सुपर नेटेंट। अब आप मुझे बताइए, अब आप थोड़ा सोच के यहाँ पे बताइए, हमने लेफ्ट साइड के अंदर जो हमारे यहाँ पे जो बैक्टेरियोफेज था उसके अंदर, उसको हमने ग्रो किसके अंदर किया था? सल्फर के अंदर। उसको हमने सल्फर के अंदर ग्रो किया था, उसको ग्रो करा के हमने फिर उसे इन्फेक्ट कराया हमारे बैक्टीरिया के अंदर। अगर हमने उसे सल्फर में ग्रो किया था, रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो किया था, तो सारा मेरा सल्फर लेगा मेरा यहाँ पे प्रोटीन के अंदर। अब आप मुझे बताइए, जब बैक्टेरियोफेज इन्फेक्ट करता है किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो क्या प्रोटीन अंदर जाता है या डीएनए अंदर जाता है? डीएनए आपका यहाँ पे अंदर जा चुका है, प्रोटीन तो आपका बाहर ही रहेगा। तो याद रखना आपका जो सुपर नेटेंट यहाँ पे होता है ना, इसके अंदर आपको प्रोटीन के पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। और पता है वो आपको कैसे दिखेंगे? क्योंकि वहां पे होगी रेडियो एक्टिविटी। तो जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना इस सुपर नेटेंट को, सो विल वेरी एबल टू, वेरी क्लियरली विल बी एबल टू सी some kind of radioactivity in the area. तो इस एरिया के अंदर आपको रेडियो एक्टिविटी आपको मिलती है, और ये जो रेडियो एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल रही है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सल्फर। ये आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव सल्फर की वजह से। तो जब आप इसे देखते हो, जब आप देखते हो कि सुपर नेटेंट के अंदर मेरे यहाँ पे सल्फर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या मुझे रेडियो एक्टिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है सल्फर की, तो आप समझ जाते हो कि प्रोटीन जो मेरा यहाँ पे है वो मेरा बाहर रह गया। प्रोटीन जो मेरा यहाँ पे मेरा बाहर रह गया, वो ऊपर ही रह गया, सेल्स के अंदर नहीं गया, सेल्स के अंदर वो जाया नहीं है, गया नहीं है। So that is my radioactive sulfur, मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मेरा मिल जाएगा। And I know that कि ये मेरा जो radioactive sulfur है वो मेरा cells के अंदर नहीं गया है, it hasn't entered inside the cells। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब उसी तरीके से दूसरे के लिए भी आप यहाँ पे देख लो। सेकेंड वाला जो मेरा बैच था उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे कराया था सेंट्रीफ्यूज, तो इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूज कराया था। जब मैंने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज कराया तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। आई विल हैव कि नीचे मुझे यहाँ पे सेल्स मिलेंगे, सो वही कलर के सेल्स बनाते हैं। सो नीचे आपको यहाँ पे सेल्स मिलेंगे एंड दिस सेल्स आर माय बैक्टीरियल सेल्स, और इनको हम बोलते हैं यहाँ पे से पैलेट। तो मुझे मेरे यहाँ पे नीचे पैलेट मिल जाएगा जिसमें मेरे बैक्टीरियल सेल्स है, और जो ऊपर वाला जो मेरा एरिया होता है, जो फ्लूइड बाकी का जो मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर सुपर नेटेंट। ये जो आपको यहाँ पे होता है, ये तुम्हारा यहाँ पे रहेगा अपना सुपर नेटेंट। दिस इज गोइंग टू बी योर सुपर नेटेंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि आपका जो आपको यहाँ पे सुपर नेटेंट है और आपके यहाँ पे जो पैलेट है, ये आपको कहाँ से आ रहा है? तो इसकी स्टोरी हम पीछे जाते हैं। हमारे बैक्टीरियोफेज को हमने ग्रो किया था पहले रेडियो एक्टिव फॉस्फरस के अंदर, राइट,
और उसके बाद उसको हमने इन्फेक्ट कराया, तो अब आप जानते हो कि आपका जो फॉस्फरस होता है वो आपका जाके लगता है आपके किसके अंदर लगता है वो जाके डीएनए एंड नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मेरा बैक्टेरियोफेज यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है तो आप जानते हो कि मेरा रेडियो एक्टिव फॉस्फरस सॉरी रेडियो एक्टिव डीएनए मेरा जा चुका है मेरा बैक्टीरिया के अंदर। आई नो दैट कि मेरा रेडियो एक्टिव डीएनए जो मेरा यहाँ पे है वो मेरा बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे जा चुका है और वो बैक्टीरिया का पार्ट यहाँ पे बन चुका है। अगर ये बात हो चुकी है यहाँ पे देन याद रखना मुझे रेडियो एक्टिविटी पता है कहाँ मिलेगी, पैलेट के अंदर। आई विल फाइंड द रेडियो एक्टिविटी इन साइड द पैलेट, तो पैलेट के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगी और जब मैं उसे मॉनिटर करूंगा जब मैं उसे वहां पे समझूंगा तब मुझे पता चलेगा कि जो रेडियो एक्टिविटी मुझे यहाँ पे जो मिल रही है इट इज फॉर माय फॉस्फरस, ये फॉस्फरस वाली रेडियो एक्टिविटी मुझे यहाँ पे मिल रही है। और मुझे यहाँ पे क्यों मिल रही है, बिकॉज डीएनए जाता है बैक्टीरिया के अंदर। अब क्योंकि डीएनए आपका जाता है बैक्टीरिया के अंदर इसलिए इस पैलेट के अंदर मुझे यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ये जब मुझे यहाँ पे देखने को मिली ना तो पता है मैंने क्या बोला, ये देख के मैंने बोला कि हाँ मेरा डीएनए था जो एक्चुअली में बैक्टीरिया के अंदर गया था, मेरा प्रोटीन नहीं था जो मेरा बैक्टीरिया के अंदर गया था, मेरा डीएनए गया था बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि जो जितने मेरे यहाँ पे नीचे बैक्टीरिया इकट्ठा हुआ है वहां से ही मुझे मेरे यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मुझे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल रही है, उनके अंदर ही मुझे यहाँ पे रेडियो एक्टिव सिग्नलिंग मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला फाइनली कि डीएनए होता है ना वो ही होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, यही वो चीज है जो आपकी ट्रांसफर की जाती है आपके बैक्टेरियोफेज के अंदर और यही यूनिवर्सल है आपका यहाँ पे एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। रुक जाओ बेटा, सवाल पूछने के पहले बाकी लोगों के लिए बताओ कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा आप बताओ तो अपना सवाल बताओ, पहले अपना सवाल पूछ रहे थे पहले। सर जो ट्रांसफर होता है वो तो डीएनए होता है और जब हमने उससे सल्फर में ग्रो कराया तो सल्फर तो बैक्टीरिया में नहीं गया ना, नहीं गया। क्योंकि डीएनए गया तो सर हमने जो बैक्टीरिया था उसको ब्लेंड किया ना, हमने पूरा सॉल्यूशन लेके गए ना हमने पूरा जो सॉल्यूशन था जिसमें हमने इन्फेक्ट कराया था बैक्टेरियोफेज को, जो सॉल्यूशन था जिसके अंदर पूरा बैक्टेरियोफेज था प्लस बैक्टीरिया था उस सॉल्यूशन को हमने लेके ब्लेंडर में लेके गए तो उसमें बैक्टीरियोफेज भी था। हाँ, उसे आप कैसे निकालोगे? पिक्चर अगर मुझे मिलता नहीं सेक्शन का पिक्चर तो देख के काफी फनी लगता है, इट्स लाइक घर का ब्लेंडर अपना जिसमें हम हमारी सब्जी वो करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ ब्लेंडर दे हैव यूज्ड बढ़िया बैक देन। ठीक है, आई होप ये अलजिया आई होप आपको पता चला है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, आई होप आप उस पे ही नहीं अटके हुए कि क्या कौन सा ब्लेंडर यूज करे लोग, दिस इज इम्पोर्टेंट राइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट दे हैव डन। ओके सो ये चीज आपके यहाँ पे भी, बाकी लोग बताइए बेटा, बाकी अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए यहाँ पे, लड़कों को समझ आ रहा है ये सब? शिवा, अनिरुद्ध, महेश, यस सर, देन सर हु एल्स वी हैव, ओम, अक्षय, प्रखर, प्रखर साहब, आप सबको ये चीज यहाँ पे समझ आ रही है। दिस वाज द मेन एक्सपेरिमेंट व्हिच एक्चुअली टोल्ड अस की सर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोलो बेटा बोलो, कौन क्या कह रहा है बताइए, महेश बोलिए। सर सुपरनेटेंट के अंदर सल्फर एंड पैलेट के अंदर फास्फोरस कैसे, इसको समझा दो। हाँ देखो हुआ क्या, अब तुम्हें ना इसको सेपरेटली समझो, यहाँ पे जो लेफ्ट फार्म में है ना मेरा वो लेफ्ट वाली स्टोरी आपकी यहाँ से चालू होती है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा यहाँ पे जो बैक्टेरियोफेज था ना राइट, उसको हमने किसमें ग्रो किया था यार, ना आई हैव ग्रोन देम इनटू रेडियो एक्टिव सल्फर। अब जब मैं रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कर रहा हूँ तो सारा सल्फर जाके कहाँ लगेगा, मेरा आउटर कोटिंग या प्रोटीन पे जाके लगेगा। देखो आउटर कोट जो होता है ना आपके बैक्टेरियोफेज का वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो सारा का सारा सल्फर वगैरह जाके वहां पे लग जाएगा। ठीक है, अब जब ये बैक्टेरियोफेज ने यहाँ पे इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया के अंदर राइट, मैंने उसे क्या किया, उसे वहां पे ग्रो कर लिया पहले सल्फर के अंदर, सारा सल्फर जाके लगेगा मेरे प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन कोट के ऊपर। डीएनए पे जाके सल्फर नहीं लगेगा बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए, सल्फर कभी भी डीएनए का पार्ट नहीं होता। ठीक है, अब मैंने इसको इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया के अंदर, जब मैं उसे बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट कराया उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग किया, मैंने फिर किया सेंट्रीफ्यूज, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब मैं टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है,
आई कैन सी लोअर एरिया के अंदर आई विल फाइंड सम सेल्स और वो सेल्स मेरे बैक्टीरिया के, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ पैलेट. और जो ऊपर वाला जो मेरा यहाँ पे फ्लूइड है, दैट इज माई सुपरनेटेंट. उस फ्लूइड को हम बोलते हैं, जो ऊपर जितना भी फ्लूइड आता है इकट्ठा होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सुपरनेटेंट. अब तुम्हारा सवाल यहाँ पे एक है, सुपरनेटेंट के अंदर सल्फर कैसे आया? सुपरनेटेंट के अंदर सल्फर इसलिए आया क्योंकि आप जानते हो कि जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है तो सिर्फ वो अपने डीएनए को ही अंदर भेजता है, प्रोटीन आपका बाहर रह जाता है. प्रोटीन तो आपको वहां पे बाहर रह जाएगा, और जो प्रोटीन आपका बाहर रह जाएगा वो आपको पैलेट में तो मिलेगा ही नहीं ना. जो प्रोटीन आपका बाहर रह गया, दैट प्रोटीन कैन नॉट बी फाइंड इन द पैलेट, वो आपको सुपरनेटेंट के अंदर मिलेगा. जो चीज अंदर जा चुकी है बैक्टीरिया के अंदर वो अंदर मिलेगी, बट जो चीज अंदर गई ही नहीं वो आपको सुपरनेटेंट में मिलेगा. और जो चीज अंदर गई नहीं वो था हमारे यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर, एंड दैट इज व्हाई वी वर एबल टू सी दैट थिंग. अब बताओ मनीष, ये बात पता चली आपको यहाँ पे? यस सर. ठीक है, अब सेम स्टोरी इसके लिए भी लग जाती है, पूरी सेम कहानी आपकी यहाँ पे भी लग जाएगी कि आपने उसे फॉस्फरस में ग्रो किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फरस के अंदर, तो ऑल द फॉस्फरस वेंट इनसाइड द डीएनए, राइट. अब आपने उसे वहां पे इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्ट कराने के बाद आपने सेंट्रीफ्यूज किया, और आपको यहाँ पे क्या दिखता है, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे कि आपका फॉस्फरस जो आपके यहाँ पे होगा, दैट इज सीन इन द पैलेट. आपका जो नीचे जो आपके ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, उसके अंदर आपका आपका फॉस्फरस यहाँ पे दिख रहा है, उसकी रेडियो एक्टिविटी आपको वहां पे दिख रही है. इससे मुझे पता चलता है कि जो फॉस्फरस डीएनए में लगा हुआ था वो एक्चुअली में एंटर करके आया बैक्टीरिया के अंदर, दैट एक्चुअली एंटर्ड इनसाइड द बैक्टीरिया, एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर बाय लुकिंग एट द रेडियो एक्टिविटी ओवर देयर. सो दिस एक्चुअली प्रूव दैट इट वॉज माई डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. सो दिस शुड बी क्लियर टू, और सारी लड़कियां यहाँ पे हैं, कब से लड़कों हो गया, सारी लड़कियां भी यहाँ पे जो है, काजल, चांदनी, अक्षरा एंड ऑल द अदर गर्ल्स, राइट. अब इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दीपिका, दीपिका आप है क्लास में? दीपिका, यस सर. आई होप ये समझ आ रहा है आपको यहाँ पे ये सब. ठीक है, सो दिस इज समथिंग. दीपिका समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है. I would strongly recommend खुद से एक बार लिख लो घर जाके, मतलब क्लास के बाद, just track it down by yourselves, तभी वो imprint होगा दिमाग के अंदर, or else it's just a story जो कभी भी evaporate हो सकती है. It's a matter of time. 6 दिन बाद पूछूंगा आपसे radioactive phosphorus, आप बोलोगे सर ये तो कराया नहीं है, right? So please write it by yourself, right, on a piece of paper, so that it will remain with you for long period of time. ठीक है, दैट व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. तो ये इनसाइड की पिक्चर है, इसको अब उतना समझ आ गया तो ये तो ठीक है. अभी बस याद रख लेना कि आपका जो रेडियो एक्टिव सल्फर जो आपका यहाँ था उसको हम बोलते हैं यहाँ पे S35, रेडियो एक्टिव सल्फर जो आपका यहाँ था, दैट इज S35 ओवर हियर. और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फरस था आपके यहाँ पे, दैट वाज माय 32, आइसोटोप नंबर 32 यहाँ पे. बस बाकी सब जो बताया वो सेम ही रहेगा यहाँ पे. ठीक है, अब एक दो फटाफट आंसर कर दो, वैसे तो टाइम ऑलमोस्ट समय पास आया अभी भी वैसे. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. तो यहाँ पे हमने ये तीन चीजें हमने यहाँ पे देख ली, एंड दीज आर द थ्री थिंग्स, दीज थ्री एक्सपेरिमेंट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू. अब इसका आंसर आप बताओ मुझे यहाँ पे हैंड रेस करके. एक टर्न जो होता है, ये बीटा फॉर्म भूल जाओ बस, रखना डीएनए के अंदर पी फॉर्म भूल जाओ बस, रखना एक टर्न जो होता है डीएनए का, उसके अंदर आपका कितना लेंथ आपको वहां पे मिल जाएगा इन अ सिंगल टर्न, इन अ सिंगल टर्न या सिंगल हेलिक्स का लेंथ यहाँ पे आपका क्या होता है. तो फटाफट अपना हैंड रेस करिए और बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा. चलिए हैंड रेस करिए सब लोग यहाँ पे. अगर आपका एक टर्न आपके यहाँ पे होगा तो उसका लेंथ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बताइए. अक्षरा क्या होगा इसका आंसर? डी. अक्षरा यहाँ पे कह रही है ऑप्शन डी यहाँ पे. दीक्षा कुमारी ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज गोइंग टू करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही. 3.4 नैनोमीटर इज गोइंग टू बी द लेंथ ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए आप लोग आराम से, एंड देन टेल मी बाय रेजिंग योर हैंड. देख लीजिए आराम से, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है. सर, रेडियोएक्टिव फास्फोरस का आइसोटोप क्या था? 32. चलो देख लो सब लोग आप यहाँ पर. हाँ जी बताइए महेश, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी सर. महेश आप ऑप्शन डी कर रहे हैं, ठीक है. शिवा क्या लग रहा है? सर डी ऑप्शन. रानी सर ऑप्शन डी. ठीक है रानी, ये बताओ हिस्टोन कोडिंग में कौन से अमाइनो एसिड मुझे मिलते हैं देखने के लिए? हिस्टोन कोडिंग में कौन से अमाइनो एसिड मिलते हैं रानी, बताइए जल्दी. सर बता. नहीं नहीं बताइए, जल्दी बताइए.
अर्जिनिन एंड योर लाइसिन, सही है, राइट। सो अर्जिनिन एंड लाइसिन आर द टू अमीनो एसिड, ठीक है, राइट, ट्रू, ओके, चलो। हाँ, ये फाइनल प्रूफ किसने दिया था ये देख लो आराम से, एंड देन रेज योर हैंड, देख लो आराम से, देख लो सब लोग इसे। जानवी बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। अपेक्षा आपको क्या लग रहा है? ए ऑप्शन। तो क्या बताओ कौन से साल में इन्होंने ये किया था? नियर 1933। नहीं, 1952 के अंदर हर्शी एंड चेज ने अल्टीमेटली प्रूफ किया था कि डीएनए ही आपका होता है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल आपके यहाँ पे डीएनए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो आराम से, सिद्रा आप बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो सिद्रा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा इसका आंसर, बोलो सर। एक सेकंड, हो गया हो गया बेटा, एक सेकंड हो गया, अब बताओ क्या होगा इसका आंसर सर। ऑप्शन सी। ऑलराइट, ठीक है, अर्चना क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। अनिरुद्ध क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। अनिरुद्ध बताओगे क्या क्या था ग्रिफिथ ने, जल्दी से बताओगे क्या क्या था ग्रिफिथ ने, अरे बता दो। सर उसने माइस, माइस से किया था, माइस के साथ उसने एक स्मूथ स्ट्रेन किया था तो वो डाई हो गया था, और माइस के साथ दूसरे स्टेप में किया उसने कि माइस के साथ रफ स्ट्रेन लिया था तो वो लीव हो गया था, डाई हो गया था, और फिर माइस के साथ उसने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन किया था तो वो भी लीव हो गया था, और माइस के साथ उसने रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड रफ स्ट्रेन लिया था तो वो डेथ हो गए, डाई हो गए थे मतलब उनका। उसके बाद उन्होंने एक ब्लड सैंपल लिया था, फिर ब्लड सैंपल के बाद उन्होंने देखा कि जो आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गया, जो रफ स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गया आर स्ट्रेन में, हाँ एच स्ट्रेन में। फिर उन्होंने पता किया कि जो हीट किल्ड एच स्ट्रेन है वो रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट या ट्रांसफर हुए डीएनए के। That's what he did, and he said that there's something is getting transferred from the heat kill smooth strain to rough strain, and that's what that was. He called it as a transforming principle. He didn't know what it was, but कुछ तो वहाँ पे जाकर transfer किया गया था, इसलिए वो आपका वहाँ पे convert हो गया, ठीक है? तो yes, that is the story you have to know. कुछ question यहाँ पे लगे हुए हैं, आप इन्हें खुद से अपने end से solve कर सकते हो. ये answer दे दो कोई भी, unmute करके वैसे ही बोलो जोर से इसका answer क्या होगा, 41 का answer क्या होगा? तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे क्या होगा, दैट योर ऑल्सो एडेनाइन ऑल्सो बिकम्स योर 20% right. असाइनमेंट की आंसर की सेंड कर देना। हाँ कर देंगे, कर देंगे, रात को आपको मिल जाएगी, ठीक है? ओके सर।